आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। हाँ, उत्तराखंड रहते हैं। उत्तराखंड में आप खाली अपने स्टेट का बताइए कि 2024 में क्या स्थिति आपके स्टेट में रहेगी? नहीं तो बीजेपी है उत्तराखंड, तो पहले बीजेपी, उत्तराखंड बीजेपी ने बनाया था, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हम तो खुद संघर्ष के तौर रखो उत्तराखंड के लिए। बनाया था लेकिन तो अभी पीछे कांग्रेस की नहीं सरकार थी। नहीं तो 10 साल तो पुष्कर धामी जी है ना, अभी तो जीत गए दोबारा, तो मोदी जी के नहीं तो मोदी जी अच्छा काम करें तो मोदी जी साथ में, तो उत्तराखंड शुरू से है, बीजेपी शुरू से रही है फेवर में। आप कहाँ से? बिहार से। देखिए अभी विपक्ष एकजुट नहीं है, इसलिए मोदी के यहाँ तो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको देखने में लगता होगा कि विपक्ष एकजुट है, अभी रैली नहीं पूर्णिया में, आपने देखा उसमें, उस रैली में कि नीतीश जी को किस तरह से बोलना पड़ा, जब शिक्षक नियोजन वाले लोग आए थे और औरतें आई थी, उनको तो झूठ बोल के लाया गया था, उनको तो सीमांचल में लाया गया था कि सीमांचल के लिए नीतीश कुमार सौगात देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सीमांचल के लिए कुछ देने की बात नहीं की, इसलिए बहुत गुस्से में है वहाँ के लोग। और विपक्ष बिल्कुल एकजुट नहीं है, अब टीवी में और देखने में तो लगता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप जाओगे तो विपक्ष बिल्कुल एकजुट नहीं है। और जिस तरह से दिख रहा है 2024 में भी मोदी जी का विकल्प अभी चेहरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा सुनिए, सबसे ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा विपक्ष को और या सबसे ज़्यादा विपक्ष की जो चर्चा हो रही है, देश में दो राज्य हैं जिनकी एकजुटता को लेकर के, दक्षिण के राज्यों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं, एक महाराष्ट्र की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो गठबंधन है और दूसरा एक बिहार में जो गठबंधन है। इन दो गठबंधनों से ये माना जाता है कि इन दो जगह बीजेपी को जो भारी फायदा हुआ था वो शायद 2024 में नुकसान। नहीं नहीं, देखिए आप देखिए बिहार में अभी देखिए, अभी नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे, वो अलग हुए हैं, चिराग पासवान हैं। कुशवाहा अभी तो विधानसभा लड़े थे, कितनी सीट पाए? नहीं नहीं, आप देखिए अगर चुनाव में 0.5% भी वोट परसेंट इधर से उधर होता है तो कई सीटें चली जाती है, और कई सीटें तो उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़के देख लिया, गठबंधन करके लड़के देख। मैं आपको बता रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा है और आपके चिराग पासवान है और मुकेश सहनी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन में NDA में जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का जिस तरह से चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था PM के लिए नीतीश मोदी जी के बराबर में, हमें नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगी। आप बताएंगे कुछ, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश कानपुर। हमारे यहाँ तो ठीक है, योगी जी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और काफ़ी मतलब विकास कर रहे हैं और अच्छी सरकार चल रही है और अपराध भी जो है बहुत कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है अपराध। बाकी विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी और बीजेपी कर रही है और आगे आने वाले समय में भी 2024 में यूपी बिल्कुल 100% नुकसान होगा कि नहीं? थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन बीजेपी आएगी। हाँ, कानपुर में जो तुम भी तो रियाजी हो यार, ये सब जानते हैं, ये भी रियाजी है। अच्छा, आप लोग इन चेहरों को देख भी लीजिए, क्योंकि और तो कोई कहता नहीं है लेकिन मैं बस रोज देखते रहते, अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हैं आजकल, निष्पक्ष पत्रकारों की बहुत कमी है, बहुत कमी है। सर आपका वर्क सबसे बेस्ट होता है, तारीफ करने के लिए नहीं, तारीफ नहीं, सच है, अब तो आपको तारीफ लग रहा है, आप हकदार हो, आपको सुनना पड़ेगा। मैं तो ऐसे चलते फिरते, मैं मजमा जुटा के नहीं, ये सब मजमा में जाने के माहिर है। बहरहाल तब भी तो गला साफ करो, आज क्या बोलना चाह रहे हो? गला साफ ही है, जब यहाँ आ गए तो गला साफ ही है, बोलो तो ललका मुद्दा क्या है? मोदी तो आया ही हुआ है, आना क्या है? मोदी तो आया है, अजय एक बात बताओ, मोदी तो अभी है ही एक साल, कोई तो कह रहा हूँ मोदी तो आई सर, गया कहाँ है? कहीं नहीं गया अभी, कम से कम आपने 2050 तक में कोई भी नहीं आने वाला बीजेपी सिवा, अभी तक जो बीजेपी के जीत है। वजह क्या? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, योजना के तहत पूरे गांव-गांव में सिलेंडर पहुँचाना, सिलेंडर तो 50 रुपया कल बढ़ गया, जिसको उज्वला मिला उसी से जाकर पूछो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 50 रुपया बढ़ गया, तब भी लोग पहले के समय में, चलो आज महंगाई हुआ इसके बाद कारण, आज हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई नहीं है ना, हमारे कंट्री अलावा भी महंगाई, हर कंट्री में महंगाई है। अगर हम ये सोचते जो हमारा कंट्री में महंगाई है तो हम सरकार, आप क्या करते हो? नहीं नहीं, आप क्या करते हो? अब मतलब बीजेपी के भक्त हूँ मैं? अरे हो तो क्या बुरी बात। हाँ, तो ये बताओ कि आप करते क्या? मैं काम करते सर, जॉब करते, क्या कुक के खाना बनाने का काम करते, खाना बनाने का काम करते हैं, सुबह शाम है, बाकी दिन भर खाली। हाँ,
क्यों? खाली है। 18,000 रुपए मिला है खा पी के, बस कोई दिक्कत नहीं? इनके सामने बात करो ना। नहीं मैं एक मिनट, तो आप कुक हो? हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। कहाँ बिहार? मधुबनी जिला। इस सरकार में तुमको क्या फायदा हुआ? इस सरकार में फायदा ये है सर, कम से कम मान लो जो महिला जरने के लिए, जो बूढ़ी माँ बाहर जरने लग आँख में धुएं, उसे कम से कम मान लो उस चीज़ से छुटकारा मिला। योजना थे अब तो बोलने भी नहीं देंगे ना भाई साहब, यही तो है ना सामने वाला। यार तुम अपनी बात बोलो ना। तो मान लो कम से कम उज्ज्वला योजना के तहत पूरे घर गांव गांव में उज्ज्वला से आगे भी बढ़ोगे कि उसी पार्ट के? जिस कपड़े पे बिजली के तार पे कपड़े सूखते थे, उस तार में भी कम से कम 22 घंटा बिजली आ रहा है। हमारे बिहार की बात बता रहा हूँ, हम उससे कम से कम सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं लाइट से। तो नीतीश लाए या बीजेपी? उस समय नीतीश और बीजेपी की दोनों मिला हुआ सरकार था। दोनों बीजेपी वाले तो कहते हैं 15 साल नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार 5 साल काम खूब किया था, मैं बता रहा हूँ 2005 से लेकर 2010 तक में जो नीतीश कुमार का जो काम था ना, जो काम बोलने का था। 10 से 15 बीजेपी ने उनको क्यों सीएम बनाया, फिर क्यों बनाया? मैं बता रहा हूँ, जब इसको ये नीतीश कुमार के सदमे, जब उस समय जो 2005 से 2010 तक में क्राइम वगैरह सब खत्म कर दिया था, नहीं तो हमारे यहाँ गाँव के बगल में गोली चलता था, डकैती होता था दिन दहाड़े। तो हम भी जानते हैं वो पहला सरकार बहुत अच्छी। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलकर काम बहुत बढ़िया किया था, अच्छा रोड भी है, पानी है, बिजली 22 घंटा सब कुछ बढ़िया है, वहाँ के अंदर विकास हुआ है गाँव घर में। अच्छा तुम्हें त्रिपुरा मेघालय के बारे में भी जानकारी है? त्रिपुरा में तो सर सरकार बना लेना बीजेपी, आए 27 सीट तो बता रहे थे, 27-28 आ रहे थे। ठीक है रुको यार, तुम लोग सब लोग क्यों जिम्मत करो, त्रिपुरा में कुल सीट कितना है? कुल सीट है 60 सीट है। और मेघालय में? मेघालय में पता नहीं सर। नागालैंड में? नहीं पता नहीं, जो पता नहीं। खैर इतना पता यही बहुत है, बहुत बहुत पढ़े लिखे को इतना भी नहीं पता है। ठीक है।